नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज 7 जनवरी है, जैसा कि आह्वान किया था देश भर में कि किसान जो है वह विरोध करेंगे, और दिल्ली की सड़कों पर इसका असर भी देखने को मिला। दिल्ली में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक्टर निकाले, ट्रैक्टर मार्च निकाला और ट्रैक्टर के जरिए किसानों ने रोड पर जाकर ये जाहिर किया कि वो अभी भी इस कानून को रद्द करे बगैर वापस नहीं जाएंगे। उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हुई है, पूनम पंडित, जिन्होंने आज इस ट्रैक्टर रैली में भाग लिया, ट्रैक्टर चलाया। कैसा इनका एहसास रहा, और ऐसे दौर में जब किसान लगातार पिछले 40 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है लगातार आंदोलन में डटे हुए हों, और इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए पूनम पंडित भी उनके साथ रहीं, तो कैसा अनुभव रहा, उनसे हम बात करेंगे। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा पूनम, की लगातार एक महीने से ज्यादा, यानी यूं कहो कि 40 दिन से ज्यादा का समय किसानों को हो गया है, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली के बैठे हुए हैं, और आज 7 जनवरी है, आज को ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया था, आपको हमने देखा, आप भी उसमें शामिल हुई और लगातार इस आंदोलन में शामिल रही हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी, कैसा अनुभव रहा, कैसा रहा, कितने लोग थे, कितने ट्रैक्टर थे, और कैसे इस ट्रैक्टर मार्च को इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए देख रही हैं, क्या असर पड़ने वाला है सरकार का इससे? सबसे पहले तो मैं धरती बता दूं भाई मेरे, ये इसमें तकरीबन जिस हाईवे पे हम लोग थे, पेरिफेरल वाले पे, पलवल वाले पे, उधर तकरीबन 1200-1400 ट्रैक्टर होंगे, कम से कम भी 30-35 हज़ार किसान तादाद में वहां था। और अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर चलाने वाली मैं ही वहां महिला थी और कोई नहीं थी, और सबसे बड़ी बात सभी लोग इतना सम्मान दे रहे थे, इतनी इज्जत दे रहे थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे तो जिंदगी में पहली बार जीवन में ऐसा आंदोलन आया है, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि पूरा देश एक हो रहा है, देश में खुशी की एक अलग ही माहौल है। बस पता नहीं क्यों ये वाली बात सरकार नहीं समझ रही है, क्यों नहीं मान रही है इस बात को। तो खुशी का माहौल था, पूरा अच्छा था, क्योंकि सभी गांव से, सभी स्टेटों से लोग जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में, तो इसको गलत नाम ना दे करके खराब नहीं करना चाहिए इसको, इससे हमारे देश का भी नाम खराब होता है, और हमारे माननीय मोदी जी, हमने उनको चुना, उनका भी नाम खराब होता है, तो इसको गलत वे में ना ले जाए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे तो वहां पे आकर के, और सहयोग मिला यूथ का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मुझे वहां पे बहुत मिला। और वहां पे, और मैं आपको बता दूं, मैं ट्रैक्टर चलाने में ही तो मैं अकेली महिला हूं, बाकी महिलाएं तो बहुत सहयोग कर रही हैं, इस चीज को आप दिखाइए कि महिलाएं तो बहुत सहयोग कर रही हैं। हाँ, महिलाएं सहयोग कर रही हैं। पूनम, ये जानना चाहेंगे कि ट्रैक्टर रैली जब निकाली गई तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको कहीं पर रोका गया, क्या किसी तरीके की परिस्थितियां सामने आई, क्योंकि बैरिकेटिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अब की बार ये जो रैली थी इसमें प्रशासन ने कोई हमारे साथ में परेशानी नहीं की, ऐसे झूठ मैं नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। और बाकी जो चिल्ला बॉर्डर से ट्रैक्टर निकले थे रैली के लिए, वहां कुछ वहां से फोन आया था, बातचीत हुई वहां पे मेरी, वहां पे थोड़े ट्रैक्टर नहीं जाने दिए प्रशासन ने, मुझे नहीं पता शायद वहां ट्रैक्टरों की तादाद कम हो इसलिए वहां पे ये प्रॉब्लम आई है। बाकी इस वाले जहां पे मैं थी जिस हाईवे पे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई प्रशासन की तरफ से। अच्छा पूनम, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो और चिल्ला बॉर्डर हो, आप लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर रही हैं, अब इस अनुभव के बाद क्या लगता है, क्योंकि इस ट्रैक्टर रैली को इस तरीके से भी देखा जा रहा है, और कई बार आपके नेता, यानी किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत भी ये कह चुके हैं कि अब जो है हम 26 जनवरी की परेड की तरह इन ट्रैक्टर को लेंगे, एक रिहर्सल करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हम झांकी में 26 जनवरी की शामिल हो सकें, तो क्या इस ट्रैक्टर रैली को ये देखा जाए कि एक झांकी थी? देखिए ये तो हम जाएंगे पक्का, ये बात तो पक्की तय है कि जाएंगे 26 जनवरी में, क्या हम लोगों का अधिकार ना कि हम ना जा सकते? दूसरी बात, झांकी की तरह दिखाई जावे देश में अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से तो ट्रैक्टर रैली कभी इतनी बड़ी नहीं हुई होगी इस देश के अंदर, और इतना बड़ा आंदोलन चला हुआ है, तो क्यों ना इस रैली को एक अच्छे से यादगार बना हुआ, समर्थन करना चाहिए इस बात का, तो कि देश का किसान कोने कोने में से आ रहा है, इस आंदोलन में भाग ले रहा है, वो ट्रैक्टरों के द्वारा अपनी वहां पे समर्थन देना चाह रहा 26 जनवरी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या भैया? प्रॉब्लम समझ में ना आ रही बस वो। अच्छा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सरकार जरूर आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए तैयार है और कोशिश भी कर रही है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर वो लोग समझने के लिए तैयार होते तो वो जितने बाहर से किसान आने लग रहे हैं और ज्यादा बॉर्डर पे, उन्हें रोकते नहीं,
इतनी व्यवस्था खराब नहीं करते। आपने देखा नहीं हरियाणा में क्या कराया खट्टर साहब ने, ट्रैक्टर वो लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, उनके आंसू के गोलो छुड़वाए, लाठी चार्ज कराया, ये कराया वो कराया। अगर उन्हें सुविधा नहीं होती तो क्यों इतना सब कराते। दूसरी बात, अभी भी बैरिकेटेड लगाए हुए हैं हर जगह, तो ये तो खुशी का माहौल है। अच्छी बात है कि भारत के अंदर पहली बार ट्रैक्टर की इतनी बड़ी रैली होगी और वो 26 जनवरी पे सभी लोग दिल्ली में होंगे। कितनी बड़ी बात है ये तो खुशी की बात है। पर पता नहीं ना क्या दिक्कत हो रही, मार समझ में ना आ रही बात। या नहीं, दिक्कत तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी मानने लग रहे हैं कि अब ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहा, इसको मेला या एक उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए, आंदोलन जो लोग यहाँ पे हैं, ठीक, जो इस बिल के विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो पक्ष में बैठे हुए हैं, वो ये शब्द वो सब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल सकते। क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना, मेला है, उत्सव है, एक बार दो चार मंत्री जितने भी है, 10-5 आके 2-4 दिन यहाँ रुक के देखो ना, रात में पता लग जाएगा, हवा टाइट हो जाएगी इतनी ठंड में, आके देखो एक बार, तो तभी खुद तो ही सेट ना इतनी हो जाए। पूनम पूनम तभी तो इतनी ठंड को लेकर और आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि कम से कम इस मौसम को देखकर कृषि मंत्री ने कहा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे लोग हैं उनको घर लौट जाना चाहिए, आप उस पर भी तैयार नहीं है। एक बात तो बताओ तुम, ये बुजुर्ग हमारे जो हैं, इनसे हमें बहुत ज्यादा हिम्मत मिला है, और इन्हें हमारे बुजुर्गों की इतनी फिक्र होती तो इतने सारे लोगों की शहादत हुई है, ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं सभी, देखा ना आपने, इन्हें इतनी फिक्र होती। ये दो शब्द तो बोलते, बार बार मुझे सवाल दोहराने में अच्छा नहीं लग रहा, इन्होंने बोले किसी ने दो शब्द, अगर इन्हें इतनी फिक्र हो रही थी, इन्हें इतनी फिक्र होती तो इतनी शहादतें बुजुर्गों की हो गई, इस आंदोलन को सफल करते, इस आंदोलन को खत्म कराते, इन काले कानूनों को रद्द करा के कराया इन्होंने। अब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं बेहतर कि कितनी इनको बुजुर्गों की फिक्र है और कितनी बच्चों की फिक्र है, कितनी महिलाओं की फिक्र है, कितनी देश की फिक्र है, अब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। पर पूनम मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप अपनी बात रख रहे हो, सरकार अपनी बात रख रही है, और इस बीच जो लोग इन किसान नेताओं के पीछे जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग किसान हैं, जो सड़क पर बैठे हैं, जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर इस बात की मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून पूरी तरीके से रद्द होने चाहिए, तो जिन लोगों की शहादत गई है, अगर सरकार, आपको लगता है कि सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है, शहादत जा रही है, तो आप इससे कितना सहमत हैं कि आपके नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन आंदोलन का, जो मांग रख रहे हैं, क्या वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं इन शहादतों के बारे में, वो पूरी तरीके से गंभीरता से सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिए, अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब शहादतें हो रही हैं सर्दी की वजह से, बीमारी भी बीमार हो लग रहे हैं, ठंड की वजह से हो रही है बड़े बुजुर्गों की। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम लोग सब सोच रहे हैं कि ये शहादतें जो हुई हैं बेकार नहीं जानी चाहिए, तभी तो हम लोग अड़े हुए हैं, तभी तो उनका परिवार यहाँ आज भी है। आपने भी देखा होगा, गलतान सिंह जी जो हमारे शहीद हो गए, उनका परिवार आज भी बॉर्डर पे टिका हुआ है, इस उम्मीद से कि हमारे फादर साहब इसमें शहीद हो गए, उनकी शहादत बेकार ना जाए। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि शहादतें बेकार नहीं जाएंगी, आंदोलन पक्ष में आना चाहिए, आना भी चाहिए, अधिकार भी है, हमारा हक भी है, आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इस रैली के बारे में मैंने आपसे बात करी, लेकिन कुछ और सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर आपके लिए हमेशा आते रहते हैं, तो सोचा कि आज जब आप लाइव हमसे जुड़ी हुई हैं तो इन सवालों पर भी आपका जवाब होना चाहिए। सबसे पहला सवाल लोगों का, बहुत से लोगों का था कि आप एक अलग लुक में जो नजर आ रही हैं, कि आपने पगड़ी बांधी हुई है, जिसको साफा बोलते हैं, वो हरे कलर का, किसानों के बीच में बैठी हैं, तो लोगों के सवाल थे कि पूनम जी आप पर ये शूट करता है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये दिखाने के लिए हैं, तो क्योंकि शुरुआत की वीडियो में जब आप सामने आई थी और किसान आंदोलन बैठी थी, तो वो पगड़ी आपको आपके चेहरे पर, आपके सिर पर नजर नहीं आई थी, इसकी क्या वजह जी? है? बिल्कुल, इसकी वजह ये है, देखिए, मैं चिल्ला बॉर्डर गई पहली बार, जिस दिन मैं चिल्ला बॉर्डर गई थी वहां पे मैं बोली थी, मैंने वहां पे मंच पे बात की, मैंने जो मेरे को बोलना था किसानों के समर्थन में मैंने बोला, तो वहां के बुजुर्गों ने मुझे वो पगड़ी बांधी, आपने देखा भी होगा वो वीडियो, मेरे स्टेटस पे भी लगा होता है और बाकी वीडियो में भी आ रहा है। अब उन लोगों ने वहां पे बांधी और मैं गई थी फिर चिल्ला बॉर्डर, सॉरी टीकरी बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर मैं गई थी, वहां के हरियाणा 84 गांव दलाल खाफ वाले लोगों ने मुझे वहां पे पगड़ी से सम्मानित किया, नवाजा मुझे पगड़ी से, इतनी इज्जत मुझे वहां दी, तो क्या मैं उस पगड़ी को पहनू नहीं, उनकी इज्जत को रखू नहीं संभाल के, बताइए आप मुझे, तो मैंने ये गलती कर दी, वो मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैं उनकी इज्जत को हाथ जोड़ के सिर झुका के ले रही हूँ उसको, वो गलत है, आप बताइए मुझे। नहीं, ठीक है, इज्जत रखनी चाहिए, आप वहां बनी बिल्कुल, हुई हैं। अगर जो मुझे ये चीज शोबाजी करनी थी तो मैं पहले दिन से ही पगड़ी पहन के आती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे इज्जत दी, मैंने इज्जत सिर झुका के उनकी ली। ठीक है, आपके वहां आने पर आपका वीडियो, आपके विचार, आपका जो भी वक्तव्य है, बहुत सारे इंटरव्यू लोगों ने देखे, खासकर AR न्यूज इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देखते हैं,
बहुत सारे दर्शक हैं जो बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आपको प्राउड फील कराने की कोशिश करते हैं, आप पर गर्व करते हैं, झांसी की रानी आपको थैंक कहते यू। हैं। तो उन सारे लोगों के लिए, AR न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के लिए, आपके मन में क्या मैसेज है, क्या विचार है, क्या आज इस वक्त आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी भाई, जिस ढाल तुम मेरे ते इतना लगाव प्यार, मेरे बुजुर्ग आशीर्वाद मेरे ते दे रहे हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं AR न्यूज चैनल से, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी भी जितने चैनल हैं भारत में, जितने भी यूथ हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को समर्थन कर रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ अगर मेरी आवाज बंद, मैं चाहती हूँ पूरे देश के युवा की आवाज हो, सबकी आवाज बुलंद हो, आवाज सच्ची होनी चाहिए, एक सच के रास्ते पे होनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है। अगर आज मेरी आवाज उठी है, किसानों के समर्थन में उठी है, अगर कोई और भी युवा है और वो अपनी आवाज सच्चाई के लिए उठाना चाहता है, तो उनकी आवाज को भी आप इतना ही आशीर्वाद, इतना प्यार मोहब्बत देना जैसे आपने मेरे को दिया। चलिए पूनम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे को इतने सारे समर्थक जितने भी हैं इस किसान आंदोलन के, सभी से मेरे को मिलवाया, मेरे से रूबरू कराया। थैंक यू सो मच, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये पूनम पंडित थी जो लगातार हमारे साथ बनी रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट में जाके कि किस तरह से ये किसानों के आंदोलन के बीच रहती हैं। आज जब ट्रैक्टर मार्च निकाला और इन्होंने ट्रैक्टर चलाया, काफ़ी किलोमीटर ये बता रही थी ट्रैक्टर चलाया है, उसकी वीडियो हमने आपको दिखाई, इसलिए हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है, उनकी जो मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई हल निकले इस मसले का, ताकि हमारे किसान भाई जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं, वो खुशी खुशी घर अपने लौट जाएं। आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।